दोस्तों स्वागत करता हूँ ट्रेनिंग मार्केट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इसका अभी करेंट प्राइस की बात करें तो 175 रुपये पर ये ट्रेड कर रही है और एक समय ये 15 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था, लेकिन इसका फंडामेंटल कोई उतना ठीक ठाक देखने को नहीं मिला है और आज देखें तो 175 रुपये पर ये ट्रेड कर रही है और पास्ट ईयर में देखें तो 1000% का 1000% का रिटर्न देखने को मिला है लगभग। वहीं आप देख सकते हो 5 डेज के 6 मंथ में आप देख सकते हो, 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 163% का रिटर्न देखने को मिला है और 5 डेज में आप देख सकते हो लगातार अपर सर्किट काफ़ी दिनों से देखने को मिला है 21% का और 1 डेज की बात करें तो आज देखें तो 5% का रिटर्न देखने को मिला है और अभी इसका करेंट प्राइस 175 रुपये पर देखने को मिला है। और मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो अगस्त 26 अगस्त और आप देख सकते हो 15-17 रुपये के आसपास ये हुआ करता था। ऐसा क्यों हो रहा है इस कंपनी में और इसका नाम है अल्स्ट्रॉन टेक्सटाइल्स लिमिटेड जो BSE पे ये लिस्टेड है, तो हम फुल एनालिसिस करके हम आपको बताने वाले हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और इसमें क्या खबर आई है और क्यों ये शेयर अपर सर्किट देखने को मिले हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 224 करोड़ है, करेंट प्राइस 176 रुपये और हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें तो 15 रुपये का स्टॉक ये हाईएस्ट अब तक का 176 रुपये देखने को मिले, स्टॉक पी ठीक ठाक देखने को मिले हैं और बुक वैल्यू 105 रुपया, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ROC ROE की बात करें तो माइनस में देखने को मिला है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ROC ROE काफ़ी माइनस में है लेकिन लगातार अपर सर्किट देखने को मिले हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये, प्रमोटर होल्डिंग 10.9% का प्रमोटर है, डेट ऑफ इक्विटी 0 है और कंपनी का 9 करोड़ 20 लाख का इसका नेट प्रॉफिट है। वॉल्यूम देखें तो लगभग ठीक ठाक देखने को मिले, सेल्स 2 करोड़ 92 लाख का है। कंपनी पे डेट की बात करें तो मात्र 21 लाख का इस कंपनी पे डेट है और रिजर्व की बात करें तो 121 करोड़ का रिजर्व है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.22 रुपया देखने को मिले और ये BSE पे लिस्टेड है अल्स्ट्रॉन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ऐसा क्या खबर आई है कि ये शेयर लगातार अपर सर्किट देखने को मिले, तो चलिए जानते हैं क्या ये शेयर अभी खरीदने लायक है या नहीं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी हाईएस्ट देखने को मिले, 2 लाख की ट्रेडिंग हुई है। वहीं आप देख सकते हो कल की ट्रेडिंग 78,000 और खरीदारी की बात करें तो 100% देखने को मिले, 78,000 लोग भी खरीदे हैं, डिलीवरी में उठाया गया है। 1 वीक पहले 1 लाख ट्रेडिंग हुई थी, 1 लाख खरीदारी लगातार आप देख सकते हो, ये शेयर 100% में 100% खरीदारी हो रही है लगातार और ये शेयर लगातार अपर सर्किट की ओर भाग रही है। और क्या ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स में, आप यहाँ देखो वाइनिंग का जो ऑप्शन है 60% और सेल का 40% और होल्ड 0%, ये कंपनी मनी कंट्रोल है वो कह रही है कि आप वाइनिंग कर सकते हैं 60% ये चांस देती है कि ये आने वाले कुछ दिनों में लगभग ये 200 रुपये प्लस जा सकती है। और आप यहाँ देख सकते हैं मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंडेड वाइनिंग अल्स्ट्रॉन टेक्सटाइल्स और एक और वेबसाइट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो इंटरेस्टिंग वैल्यू भी कुछ उतना ठीक ठाक नहीं देखने को मिला है, ये कंपनी का जो फंडामेंटल है ठीक ठाक नहीं है, ROC FD रेट भी, डिविडेंट और एंट्री पॉइंट देखे तो अभी डाउनफॉल देखने को मिला है और ये एक सही है कि ये कंपनी ना ASM में है ना SGSM में जो कि अच्छा माना जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हो ये टेप ट्रैक का जो रिकॉर्ड डेटा है वो अवेलेबल नहीं है तो इसमें थोड़ा सा डाउन है और इसका फंडामेंटल उतना ठीक ठाक नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी चल रही है वाइनिंग का लोग इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर को वाइनिंग कर रहे हैं और अभी देखें तो ये शेयर का जो हाल है बहुत बुरा हाल है और शेयर काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट देखने पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं इसीलिए, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी डाउन देखने को मिला है 2020, 2021 और 2022 में जो कि आप देख लो कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तब पर भी ये भाग रहे हैं तो चलिए जानते हैं इसके आखिर क्यों भाग रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों आगे हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के जरिए हम आपको बता रहे हैं रॉकेट की तरह भाग रहा है इस टेक्सटाइल्स का शेयर, 10 हफ्तों में 10 गुना निवेशकों की पूंजी बढ़ा दी अल्स्ट्रॉन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। और आप यहां देख सकते हैं मेन पॉइंट क्यों आ रही है तेजी जो कि आप देख सकते हैं अल्स्ट्रॉन शेयरों के तेजी, स्टॉक्स स्प्लिट्स और बोनस की खबर चलते आई है। कंपनी ने पिछले महीने शेयर बाजार में भेजी एक सूचना में बताया गया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 नवंबर की बैठक होगी जिसमें स्टॉक का स्प्लिट और बोनस की मंजूरी देने का विचार किया जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं आगे की ओर देखते हैं क्या बताया शेयर बाजारों में क्या बताया है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बताया है कि हम आपको सूचित करना है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 10 नवंबर 2022 को बैठक होनी है और बैठक के दौरान तीन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। पहला, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों में 1 रुपये फेस वैल्यू शेयरों में विभाजित करना है, और दूसरा, कंपनी के ऑथराइज शेयरों की कैपिटल बढ़ोतरी करना है, और तीसरा, बोनस शेयर की घोषणा करना है। तो दोस्तों, ये शेयर ने आप देख सकते हो क्या करती है कंपनी, तो ये कंपनी वूलन, आर्ट सिल्क, नेचुरल सिल्क, रेडी टू वियर और एप्रियल, हौजरी और फाइबर और बहुत सारे ऐसे कारोबार कर रही है जो टेक्सटाइल्स के अंदर आ रहे हैं। तो एक देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर 1 लाख रुपये लगाए होते इस कंपनी में, आज ये 10 लाख रुपया कर दिया होता। तो दोस्तों, इसी कारण ये शेयर में आप पढ़ सकते हो स्किप करके। तो दोस्तों, इसी कारण इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।